प्रकाश अंबेडकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार के कट्टर विरोधी माने जाते हैं। ऐसे में दोनों का एक मंच पर आना कई संभावनाओं को जन्म देता है। अभी हाल में ही प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी ने अकोला जिला परिषद तथा पंचायत समिति में दमदार जीत हासिल करके सत्ता अपने पास रखी है। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से हमलावर रुख अपनाए एनसीपी चीफ शरद पवार आज इस कानून के खिलाफ सड़क पर उतर आए। पवार ने बीजेपी के बागी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण और वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर के साथ गेटवे ऑफ इंडिया पर मंच साझा किया और गांधी शांति यात्रा को रवाना किया। एनआरसी और सीएए के खिलाफ मुंबई से शुरू हुई यह यात्रा 3000 किलोमीटर का सफर करके 30 जनवरी को नई दिल्ली के राजघाट तक पहुंचेगी। बता दें कि 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। शरद पवार ने गेटवे ऑफ इंडिया पर इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई। बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर पवार केंद्र सरकार पर जमकर अटैक कर रहे हैं। पवार ने कहा कि CAA NRC देश के सामने मौजूद गंभीर मुद्दों से ध्यान हटाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि CAA देश की धार्मिक सामाजिक एकता और सौहार्द को बिगाड़ेगा तथा उसे आहत करेगा। पिछले दिनों शरद पवार ने कहा था CAA NRC देश के सामने मौजूद गंभीर मुद्दों से ध्यान हटाने का प्रयास है। अल्पसंख्यक ही नहीं, जो कोई भी इस देश की एकता और प्रगति के बारे में सोचता है वह CAA और NRC का विरोध कर रहा है। युद्धच आहे असं मी म्हणेन। शांततेने हे युद्ध लढावं लागेल। आपण असणारं संविधानिक व्यवस्था मान्य करतोय आणि RSS त्यांची सामाजिक व्यवस्था आणायला बघते। या दोन्हींमधला असणारा लढा आहे।